नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग आरआरसी, एनटीपीसी और लेवल वन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 15 लेके आए हैं। जी दोस्त, इस मॉडल पेपर के अंदर हमने सामान्य विज्ञान के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट वाई क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी ही वीडियो लगातार यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोग रोजाना ऐसे ही यहाँ पे वीडियो देखना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि सबसे पहले आप यहां आके अपना लाइव टेस्ट दे सकें। और दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लास्ट में बताएं कि दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये भी बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण बनाने की जो क्रिया फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑक्साइड बनाने की जो क्रिया है उसको फ्रेंड्स ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा। देखिए एफ ई रासायनिक प्रतीक है फ्रेंड्स, किसका है दोस्तों, एफ ई किसका रासायनिक प्रतीक है। जी फ्रेंड्स किसका है, लोहे का है, आयरन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पे फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, एफ ई लोहे का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। जी फ्रेंड्स सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। जी फ्रेंड्स कौन सा है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। जी फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। जी फ्रेंड्स ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। जी फ्रेंड्स किस रूप में किया गया है, जी इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। किसमें, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। आगे बढ़ेगा, देखिए चलिए चांदी है। जी फ्रेंड्स चांदी क्या है दोस्तों, मोस्ट वाई क्वेश्चन है, चांदी क्या है। फ्रेंड्स चांदी एक विद्युत सुचालक है। क्या है, चांदी एक विद्युत सुचालक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए मानव निर्मित तत्वों की पहचान कीजिए। जी फ्रेंड्स मानव निर्मित तत्वों की पहचान कीजिए। दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपके लिए दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से मानव निर्मित तत्व कौन सा है। जी फ्रेंड्स कौन सा है, जी कैलिफोर्नियम। फ्रेंड्स कौन है, कैलिफोर्नियम है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए सोडा वाटर है। जी फ्रेंड्स सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर क्या है। फ्रेंड्स गैस द्रव का विलयन है, सोडा वाटर क्या है, गैस और द्रव का विलयन है सोडा वाटर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे देखिएगा, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है कौन सा होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा, प्रोटीन। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अ धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, अ धातु के जो ऑक्साइड हैं वो प्राय कैसे होते हैं। जी कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अ धातु के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने देखा है, हमने पढ़ा है कि अ धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है। जी क्या है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है। पायरेक्स कांच क्या है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है पायरेक्स कांच। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए निम्नलिखित में से सबसे बाहरी धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे बाहरी धातु कौन सी, ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम है, बी में तांबा, सी में चांदी और डी में यूरेनियम दिया गया है। तो सबसे बाहरी धातु कौन से, यूरेनियम है। कौन सी है, सबसे बाहरी धातु कौन सी, यूरेनियम है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, देखिएगा लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। जी फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप है क्या है, पिटवा लोहा है। क्या है, पिटवा लोहा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन रिंग। जी फ्रेंड्स देखिए, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है, ब्राउन रिंग का, ब्राउन रिंग परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है। जी क्या है, Na2ZnO2 है। क्या है, Na2 क्या है फ्रेंड्स, Na2ZnO2 है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को
किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? किसका प्रयोग? CaOH2 का। किसका फ्रेंड्स? CaOH2 का प्रयोग करके दोस्तों जो पानी की अस्थायी कठोरता उसको दूर किया जाता है, ठीक है। CaOH2 का प्रयोग करके जो पानी की अस्थायी कठोरता उसको दूर किया जाता है। CaOH2 क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, चलिए देखिए, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है। जी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह पेयजल से भारी, क्योंकि वह पेयजल से भारी है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है, क्योंकि वह पेयजल से भारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ेगा, देखिए चलिए, सर्वे स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? जी शीशा व कार्बन कण। किसका? शीशा व कार्बन कण का, कार्बन कण की जांच और अनुमान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखिए, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। किस कारण से? कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन कारण के, किसके कारण से? कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायन के कारण से। तो ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी या झंझावत की संभावना, आंधी या झंझावत की संभावना। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कैसी रहेगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर जो उसकी समयावधि है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसी रहेगी? बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समयावधि है वो बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट देखिए, यदि पेंडुलम की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? जी फ्रेंड्स, क्या कैसा होगा? दुगना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। देखिए, लोलक की आवृत्ति काल किसके ऊपर निर्भर करता है? लोलक का जो आवृत्ति काल है, टाइम पीरियड है, किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक का आवृत्ति काल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ता है, क्योंकि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में कौन शामिल है? क्या शामिल है? बिल्कुल क्या है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में क्या शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? कहाँ होगा? अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सर्वोत्तम ईंधन है? जी कौन है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, कौन उपयोग होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे देखिएगा, पीतल या ब्रास
पीतल की मौजूदगी में नियंत्रित रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। जी पीतल किसकी मौजूदगी में नियंत्रित रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। मोस्ट रिया क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में नियंत्रित रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। किसकी मौजूदगी में? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है। जी फ्रेंड्स, मणिक का जो लाल रंग है किसकी मौजूदगी कारण होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, किसकी? क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व कैसा रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? कीटाणु रहित बना देता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जी कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, देखिए, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो काली होकर गिर जाती हैं। वायु में किसकी अधिकता होने से पेड़ों की पत्तियाँ काली होकर गिर जाती हैं? किसकी अधिकता? जी SO2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? जी सड़ी मछली की तरह। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, चलिए, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जी जल से आती है फ्रेंड्स। किससे आती है? जल से आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखिए, एक्रोलिन फाइबर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। जी फ्रेंड्स, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? जी लेनियस है। कौन है? लेनियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखिए, वाणिज्यिक मूल्य वाला कोर्क किससे प्राप्त होता है? जी क्वेरकस सुबेर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जब भी हम कोई क्लास लेके आएँ, कोई वीडियो लेके आएँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उसी टाइम सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख पाएँ और ज़्यादा फायदा उठाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।